जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे, जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर। टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में कहीं साइबर अपराध और धोखाधड़ी में न फंसे मासूम, जालौन पुलिस ने की चाइल्ड कैंपेनिंग शुरू। जिले के स्कूलों में बच्चों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता और साइबर धोखाधड़ी से बचने के गुर सिखाए जा रहे हैं। साइबर कैंपेनिंग के दौरान अनोखा नजारा सामने आया, साइबर प्रभारी के ऑटोग्राफ लेते नजर आए बच्चे। कैंपेनिंग से साइबर सेल प्रभारी ने जीता बच्चों का दिल। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन मेट्रो आपको दिखा रहा है। जालौन से खबर है, लगातार टेक्नोलॉजी के बदलते इस दौर में साइबर अपराध और धोखाधड़ी जैसे मामले आए रोज सामने आते हैं। इनसे बचने और मासूमों को बचाने के लिए जिले के स्कूलों में बच्चों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता और साइबर धोखाधड़ी से बचने के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस दौरान एक अनोखा नजारा भी सामने आया, जहां साइबर प्रभारी के ऑटोग्राफ लेते बच्चे नजर आए हैं। कैंपेनिंग से साइबर सेल प्रभारी ने बच्चों का दिल जीत लिया। जालौन मेट्रो से देवेश स्वर्णकार की रिपोर्ट। आपके बच्चा मोबाइल पर गेम खेलते कहीं किसी साइबर अपराध का शिकार ना हो जाए, इससे बचाने के लिए जालौन पुलिस ने अनोखी पहल स्टार्ट की। साइबर सेल प्रभारी राहुल कुमार सिंह ने आज बच्चों के बीच पहुंचकर उनको साइबर अपराधों से कैसे बचा जाए इसकी जानकारी दी। साइबर अपराध यानी कि ऐसा अपराध जो जाने अनजाने बच्चों से हो जाए। दरअसल आपका बच्चा कभी पबजी गेम या कुछ और गेम खेलते खेलते कभी कभी धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। बच्चों को इस अपराध से बचाने के लिए, जो जागरूक करने के लिए आज साइबर सेल के प्रभारी राहुल कुमार सिंह बच्चों के बीच पहुँचे हैं। आज वो दिल्ली पब्लिक स्कूल उरई में पहुँचे थे, वहाँ पर उन्होंने बच्चों को साइबर अपराधों से कैसे बचा जाए इसके बारे में जब जानकारी दी तो बच्चे काफ़ी प्रभावित हुए। वो थोड़ी देर बाद बच्चों ने सर से ऑटोग्राफ मांगना स्टार्ट किया और ऑटोग्राफ के लिए बच्चे इस तरीके से राहुल कुमार सिंह को घेरे नजर आए कि जैसे किसी फिल्म स्टार या हीरो को घेरे नजर आते। तो कहीं ना कहीं राहुल कुमार सिंह या साइबर सेल की जो पहल है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, दिनों दिन अपराध बढ़ रहे हैं, उससे बच्चों पर इसका खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ दिन पहले अपर पुलिस अधीक्षक असीम कुमार चौधरी ने भी लोगों से साइबर अपराधों के प्रति सावधान और सजग रहने की अपील की। उन्होंने कहा था कि आपसे अगर कोई फ़ोन करके आपके ओटीपी मांगता है तो आप कृपया उसको ओटीपी ना दें, क्योंकि कोई भी बैंक या कोई भी संस्थान कभी भी किसी से ओटीपी नहीं मांगता है, क्योंकि ओटीपी देने से आपका बैंक का खाता खाली हो सकता है। तो अपर पुलिस अधीक्षक ने लोगों से आम जनमानस से अपील की थी। लेकिन आज साइबर सेल प्रभारी राहुल कुमार सिंह जब बच्चों के बीच पहुंचे हैं, बच्चों को उन्होंने साइबर अपराधों से सजग रहने के लिए कहा है, तो निश्चित तौर पर उनकी एक पहल को सराहनीय दृष्टि से देखा जा रहा है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।